लोग सिर्फ मेरी कॉमेडी फिल्में ही ज़्यादा देखते हैं, मैं संजीदा फिल्में भी करता हूँ, लेकिन वो शायद लोगों को पता नहीं, क्यों पसंद नहीं आती है। मुझे बाहर अवार्ड मिल जाता है, लेकिन यहाँ बॉक्स ऑफिस पे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप फ़नी में ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो लोगों की पसंद, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके सामने हमारी नई पेशकश खजूर पे अटके। और ये कहानी मेरे आसपास के अनुभवों से और तजुर्बों से ली गई है, मेरे परिवार से, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, जहाँ कहीं कुछ घटनाएँ घटी हैं, उन सबको मिला करके फिर मैंने एक कहानी लिखी। और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि करीब 2 साल का सफ़र रहा होगा सब मिला के, 2-2.5 साल। तो हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कई बार कि कहीं किसी चीज़ में लोगों को बैठ जाता है दिमाग में कि भाई ये कॉमेडी वो फिल्म देखी थी तो अब कॉमेडी करते हैं ये। और बीच बीच में अच्छे ऐसे लोग आते भी हैं जो अलग आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनका वो है। हमने टीवी पे काम भी किया है जैसा कि आपने बताया, फिल्मों में भी आपने जैसा बताया हमने काम किया है। आप बहुत कम लोगों को पता है कि हमारी फिल्म भेजा फ्राई में हर्ष जी भी थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी था। जी। किसी को याद नहीं है, और मुझे वो सीन याद है, बहुत अच्छा सीन है, इनके डायलॉग्स भी याद हैं। अरे तू तो बताता रहता है हमेशा, दिखा अपना वाला मुर्गा। हाँ, तो हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, इनकी सेंसिबिलिटी से हम वाकिफ़ हैं, इनकी सेंसिबिलिटी के हम कायल हैं, इनके हुनर के हम कायल हैं। तो जब इन्होंने अपनी फिल्म के लिए मुझे सटीक समझा, मुझे माफिक समझा, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।